आफताब ने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, ऐसा पुलिस को शक है। और दिल्ली आना आफताब का उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा, रैकी करके छतरपुर की पहाड़ियों पर फ्लैट लेना भी उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा, ऐसा पुलिस को शक है। क्या श्रद्धा का मर्डर एक सोची समझी साजिश थी? क्या श्रद्धा के मर्डर की पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या मर्डर की प्लानिंग के तहत आफताब दिल्ली आया? श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पुलिस को लगने लगा है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या सोच समझकर साजिश के तहत की है। पुलिस के पास इस थ्योरी तक पहुंचने के लिए पुख्ता आधार भी है। अब आज देखिए, अब 12 दिनों के बाद जांच जहां पर पहुंची है वहां से हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो 12 दिनों में भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जो लगातार बयान जो बात आफताब ने कही कोर्ट में कि वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया, पुलिस अभी तक कोई अहम सुराग नहीं ढूंढ पाई। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा है तो कुछ टुकड़े लगे हैं जिनको अभी वेरीफाई किया जाना है। न हथियार मिला, न फोन मिला, न कोई चीजें मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब और श्रद्धा मुंबई से हिल स्टेशन के लिए निकले, उनके दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिल स्टेशन पर आफताब को दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला बद्री नाम का शख्स मिलता है। बद्री से मुलाकात के बाद आफताब दिल्ली आने का प्लान बनाता है, यानी आफताब के शातिर दिमाग में दिल्ली शिफ्ट होने की प्लानिंग उस वक्त तैयार होती है जब वो बद्री से मिलता है। बद्री से मुलाकात श्रद्धा के मर्डर की साजिश की पहली कड़ी थी। 8 मई को आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। पहले दोनों पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं। आफताब छतरपुर इलाके की रेकी करता है और किराए के लिए एक फ्लैट तय करता है। फ्लैट भी ऐसी जगह जहां आसपास जंगल है। फ्लैट लेने के तकरीबन 10 दिन के अंदर श्रद्धा की हत्या हो जाती है। दादू छतरपुर में है जहाँ पर आफताब का फ्लैट, और आफताब के फ्लैट के बाहर ठीक इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अब दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि यहाँ पर बद्री नाम के शख्स से मिला था, तो पुलिस भी यही जानने की कोशिश करी, और पुलिस को कहीं ना कहीं यही अंदेशा है कि ये जो पूरा मामला था ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्री प्लान था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो किस तरह से आफताब ने ये बताया था कि मैंने ये हीट ऑफ द मोमेंट में आकर किया, तो लेकिन पुलिस इसी बात को हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में सवाल करे कि यदि तुमने ये मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट में यदि ये सारी चीजें की तो क्यों उस बद्री नाम के व्यक्ति से तुमने संपर्क किया? इतना सब कुछ अचानक होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आफताब ने श्रद्धा को ठिकाने लगाने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी और श्रद्धा को अपने नापाक इरादों की भनक नहीं लगने देना चाहता था। तेजश्री पुरंदरे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।